सावन के अंतिम और चौथे सोमवार पर नाथनगरी बरेली के शिवालयों में आज तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंचे श्रद्धालुओं के लगाए बम बम भोले के जय घोष से माहौल शिवमय हो उठा। नाथ नगरी के मंदिरों में बाबा का जलाभिषेक करने के लिए लाखों कांवड़ियों के आने का सिलसिला जारी रहा, जहां डीजे पर बज रहे बाबा के भक्तिमय भजनों पर कांवड़ी अपनी थकान भूलकर जयकारे लगाकर झूमते रहे। हालांकि सावन के तीसरे सोमवार के मुकाबले इस बार भीड़ कम नजर आई। शहर के प्रमुख मंदिरों बाबा अलकनाथ, धोपेश्वरनाथ, त्रिवटीनाथ मंदिर, वनखंडीनाथ, पशुपतिनाथ, मणिनाथ, तपेश्वरनाथ में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। इसके साथ ही नाथ नगरी की सड़कों पर बड़ी संख्या में कांवड़ियों के जत्थे अपने आराध्य की तरफ बढ़ते नजर आए। वहीं कछला, हरिद्वार और गढ़मुक्तेश्वर से जल लेकर पहुंचे कांवड़ियों का जगह जगह हिंदू मुस्लिमों ने भाईचारे का संदेश देते हुए स्वागत किया और जलपान की व्यवस्था की। जबकि कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम कैंप लगाए गए। आपको बता दें कि नाथनगरी पहुंचने वाले कांवड़िये हरिद्वार, कछला, गढ़मुक्तेश्वर से कांवड़ में जल लेकर आते हैं, जो डीजे की धुन और भगवान भोलेनाथ के गानों पर नाचते गाते और झूमते नजर आ रहे थे, जिनके शिवालयों में पहुंचने के बाद बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए लाइन में घंटों अपनी बारी के लिए इंतजार भी करते देखा गया। वहीं जलाभिषेक के दौरान भक्तजन भगवान भोले को फूल मालाएं, भांग, धतूरा, दूध आदि चढ़ाते रहे। साथ ही तमाम श्रद्धालु पूजा अर्चना के साथ अपने परिवारों और देश की सुख समृद्धि के लिए कामना करते नजर आए। इस दौरान शिवालयों को फूल मालाओं समेत रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया था। वहीं शांतिपूर्ण तरीके से चले कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालु और शिवालयों के पुजारियों ने खुशी जाहिर की। चार साल से जल चढ़ा रहे हूं, बहुत शुक्र मिलता है। कहां से जल लेकर आते हैं? कचला से जल लेकर आते हैं और पशुपति मंदिर चढ़ाते हैं। कब से जा रहे हैं? चार साल हो गए। कैसा लगता है आपको? बहुत शुक्र मिलता है। अकेले जाते हैं साथ में परिवार? नहीं, परिवार तो हमारे भैया भी गया है और हमारा दोस्त भी है, अभी जल चढ़ा रहे अंदर। ये सावन माह का लास्ट सोमवार है। भक्त जो हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ जलाभिषेक कर रहे हैं। लाखों की संख्या में भक्त लोगों ने जलाभिषेक किया है और अपने हिंदू धर्म में ये सावन माह का बहुत वो हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और सावन माह का पर्व शंकर जी का बहुत बड़ा महत्व होता है, शंकर जी की पूजा होती है। और यही है कि हिंदू धर्म में और सभी धर्म अपने मिलजुल के सभी त्यौहार मनाएं और कहीं सावन माह का जो है माह बहुत अच्छे तरह से बीत गया, मतलब कोई दंगा फसाद कहीं नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई, अच्छी तरह से सभी पूरा माह निकल गया।